हेलो फ्रेंड्स, लेवल ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ स्टॉक जो आज के डेट पे बहुत ही अच्छी पोजीशन पे बनाए हुए हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। तो बहुत कुछ है आपको सीखने के लिए, साथ ही साथ कुछ स्टॉक जो कल के दिन हमने सजेस्ट किए हुए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा उनका हम टेक्निकल एनालिसिस करें। तो आपको बहुत कुछ है सीखने को मिलेगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके सामने जो ये सारे स्टॉक देख रहे हैं, ये सारे स्टॉक पिछले वीडियो पे मैंने आपके आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको सजेस्ट किया हुआ था। इसमें से अगर आप देखेंगे जो ये थंबनेल पे लगा हुआ है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं जो कल मैंने अपलोड किया था वो है अमर राजा बैटरी। उसमें देखिए 3% का जो है आज 3.73% का डाउनफॉल हुआ है। उसको मैं चार्ट में भी आपको दिखाता हूँ मैंने एग्जैक्टली आपको क्या बोला था। तो देखिए मैंने आपको बोला था, देखिए यहाँ से एक डाउनफॉल होगा अगर इसका अगर लो ब्रेक होता है। अगर इसको ऊपर जाना होता तो यहीं से ही ऊपर चला जाता, लेकिन इसको लो जैसे ही ब्रेक किया और देखिए कितने अच्छे तरीके से लगभग 3.73% जो है इसमें नीचे गिरा है। तो इसमें हमने हमारा ट्रेड आज बना एंड हमने भी ट्रेड किया है इसमें अमर राजा बैटरी में। इसको 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में अगर मैं जाके देखता हूँ तो देखिए पहला 5 मिनट का जो कैंडल बना है वो बिल्कुल भी एक रिजेक्शन कैंडल है और रिजेक्शन बिल्कुल प्रॉपर लेवल पे ये ट्रेंड लाइन पे ले रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो कि वो ट्रेंड लाइन मैंने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पे दिखाया। ठीक है, फिर उसके बाद एक इनसाइड वार कैंडल का फॉर्मेशन होता है एंड इनसाइड वार कैंडल के बाद भी एक और इनसाइड वार कैंडल फॉर्मेशन होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया और 15 मिनट ब्रेकआउट पे भी ट्रेड नहीं लिया। प्रीवियस डे का जो लो ब्रेक हुआ तब भी ट्रेड नहीं लिया था, मैं वेट कर रहा था रिट्रेसमेंट का। और रिट्रेसमेंट में जैसे ही, क्योंकि हर ब्रेकआउट जो है ना, हर जो ये जो ब्रेकआउट होता है 15 मिनट का ब्रेकआउट होता है या फिर आप बोल सकते हैं जो प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता है तो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट भी या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसलिए हम रिट्रेसमेंट में ट्रेड करते हैं ताकि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है 1:2 से भी ऊपर मिलता है। तो इसलिए मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था और यहाँ पे प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं, प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट मिला है जो कि इस रेंज से, मतलब आप देख सकते हैं जो प्रीवियस डे का लो था उसी रेंज से ही बिल्कुल रिजेक्शन लेते हुए जैसे ही लोअर लो फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे सेल हुआ। स्टॉप लॉस बिल्कुल भी आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा था। फिर देखिए उसके बाद हम 725 में हमने प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ पे जैसे ही ये हायर पुलबैक लिया, पुलबैक लेने के बाद इसके क्लोजिंग पे, इसका जो लो का क्लोजिंग था क्लोजिंग पे ही हमने 725 में हमने एग्जिट ले लिया था। तो बिल्कुल अमर राजा बैटरी में हमारा ट्रेड बना था एंड उसमें हमारा 4000 का जो है उसमें 4800 का जो है उसमें प्रॉफिट हुआ है, है ना। तो बाकी सारे स्टॉक भी देख लेते हैं क्विकली, नेक्स्ट हम कल के लिए भी कुछ स्टॉक का भी हम देखेंगे। तो देखिए बाकी सारे स्टॉक आप खुद देख लीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली ग्राफ नहीं आ रहे, जो ग्राफ मैंने लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए थे। तो देखिए सन फार्मा में भी डाउनफॉल हुआ है, इसको भी मैंने यहाँ पे लाइन बनाया हुआ था जो अभी नहीं आ रहे, मैंने ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे एक रेंज बना के आप प्रीवियस वीडियो जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे बना हुआ था, तो यहाँ पे बना हुआ था। तो मैंने बोला था कि इसमें अगर लो को ब्रेक करता है कल के दिन का लो को तो इसमें डाउनफॉल होगा। तो बिल्कुल भी उसी रेंज से ही इसमें भी डाउनफॉल आया 2.25 का। टाटा स्टील में अपमूव आया है 1.41% का। क्यों अपमूव आया है बिल्कुल आपके सामने है, क्योंकि मैंने बोला था इसके लो के नीचे ब्रेक करेगा तब इसमें डाउनफॉल होगा, लेकिन देखिए आज पूरा दिन इसके लो को, मतलब कल का जो लो है इसके लो को ब्रेक ही नहीं कर पाया, है ना। तो फिर इसमें एक अपमूव जरूर इसमें देखने को मिला। तो बिल्कुल भी देखिए लो ब्रेक नहीं करता, हमारा लेवल अचीव नहीं होता तो फिर आप छोड़ दीजिए उन सारे स्टॉक को। बाकी सारे स्टॉक आप खुद भी देख लीजिएगा, एलएनटी में भी हम सेलिंग साइड पे रखे थे और उसमें भी देखिए जबरदस्त फॉलिंग हुआ है। इसमें मैं यहाँ पे बोला था तो देखिए इसके लो को ने जैसे ही ब्रेक किया, ये जो जोन था ये जोन को ब्रेक करते ही इसका क्लोजिंग बिल्कुल भी हुआ है। तो इसको भी हम नेक्स्ट डे के लिए भी आप इसमें वॉच लिस्ट जरूर बना के रखें और इसमें अगर लो को ब्रेक करता है तो फिर इसमें और भी डाउनफॉल इसमें जरूर देखने को मिलेगा। तो क्विकली देख लेते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक, क्योंकि 4 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। तो एक एक चीज में आपको वीडियो पे एक्सप्लेन करता हूँ तो बिल्कुल आप जरूर मिस ना करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए पहला जो स्टॉक है वो है हैवेल्स का। देखिए बहुत सारे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के स्टॉक मुझे मिलते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है उन्हीं स्टॉक को मैं आपके लिए रेकमेंड करता हूँ। रेकमेंड इन द सेंस जो मेरा खुद का एनालिसिस है मैं आपके लिए सामने रखता हूँ, है ना। पहला जो स्टॉक है वो है हैवेल्स का। तो हैवेल्स में देखिए
यहां से वो बार बार सपोर्ट ले रहा था, आप देख सकते हैं जो ब्लॉक बनाया हुआ है रेक्टेंगुलर का, यहां से 1, 2, 3 टाइम यहां पे सपोर्ट लिया हुआ है। साथ ही साथ अपर लेवल पे अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन से वो बार बार रिजेक्शन ले रहा है जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे 1 फर्स्ट टाइम लिया और सेकंड टाइम देखिए 200 इज मूविंग एवरेज का जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये जो ट्रेंड लाइन को, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को, वहीं से ही बिल्कुल उसी जोन से ही इसने रिजेक्शन लिया है जो कि एक डायनामिक लेवल है। एंड उसके बाद देखिए थर्ड टाइम तो यहाँ पे लेना ही लेना था, यहाँ पे फोर्थ टाइम लिया और फिफ्थ टाइम लिया। फिफ्थ टाइम जब ये ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट बार बार रिजेक्शन ले रहा था तब उसको यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद भी मैं वेट कर रहा था क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी था जो कि आज हुआ है। गिरते हुए मार्केट में भी हैवेल्स ने 2.73% का अप मूव दिखाया है। तो ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको आप इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करने चाहें तो फिर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आज का जो हाई बनाया हुआ है 648 ब्रेक करता है तो इसमें एक अप मूव जरूर आपको देखने को मिलेगा 1% का। अगर आप पोजिशनल के लिए अगर आप लेना चाहें तो फिर इस अभी जो करंट मार्केट लेवल है उस लेवल पे भी ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ा वेट करें रिट्रेसमेंट हो और इस लेवल पे अगर ये चलना शुरू करे तो फिर आपके लिए प्रॉपर एंट्री लेवल हो जाएगा क्योंकि आपका अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस भी आपका 1:1 का बन जाएगा क्योंकि आप स्टॉप लॉस तो यहाँ पे लगाएंगे स्विंग लो पे। और स्विंग लो लगाने के बाद देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे और एक चीज भी आपको बोलना था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन बिल्कुल एसी जोन से बनाया हुआ, आपके ध्यान में आया नहीं होगा तो इसलिए मैं बोलता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉटम जैसा बनाया हुआ है, हालांकि एग्जैक्टली ट्रिपल बॉटम है नहीं लेकिन रिजेक्शन बिल्कुल एक ही जोन से हुए हैं तो फिर इसको आप मान भी सकते हैं 1, 2, 3 रिजेक्शन एक ट्रिपल जोन से बनाया हुआ है। और इसका जो नेकलाइन था ये नेकलाइन था और नेकलाइन आज इसने ब्रेकआउट दिया है तो ये बहुत ही बुलिश साइन होता है इसका। थोड़ा अगर आप इसमें बाइंग साइड पे व्यू रहेगा, अगर थोड़ा कल ये नीचे जाना शुरू करता है फिर आप उस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक करके ऊपर जाना शुरू करता है तो जरूर आप इसमें बाय पोजीशन बना के जा सकते हैं। पोजीशनल के लिए आप ये 200 डेज का मूविंग एवरेज जब तक टच ना करे, मतलब उसके आसपास अगर आप जाएगा तो फिर आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए भी मैंने बोल दिया, अगर कल के दिन ये डाउनफॉल होता है और डाउनफॉल होने के बाद एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में, उसको ब्रेकआउट पे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क का। तो देखिए ग्लेनमार्क में एक्चुअली क्या हो रहा है, तो ये देखिए ग्लेनमार्क में वन डे का कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें देखिए इसमें दो जोन है, पहला जोन तो ये है जो हॉरिजॉन्टल जोन है और सेकंड जोन जो कि ये ट्रेंड लाइन बन रहा है क्योंकि 1, 2 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए एक पुल बैक लिया है। तो कंसिडरिंग ये तीन चीजों के सपोर्ट लिया हुआ है और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया है और आज के दिन भी ब्रेक डाउन दिया, कल के आज का जो लो बनाया है इसके नीचे निकलता है तो फिर इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा और जरूर ये 275 जरूर इसमें टच करना चाहिए। अभी ये लेवल बन चुका है, आप इसमें जरूर सेलिंग साइड पर नजर बना के रखें, 275 ये जरूर टच करेगा है ना, इस चीज में आप जरूर ध्यान बना के रखें। कल के दिन अगर इसका लो ब्रेक नहीं करते हुए ऊपर जाता है तो फिर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें 5 मिनट का और 5 मिनट ब्रेकआउट पे आप जिसमें जरूर सेल करें। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स का। देखिए टाटा मोटर्स में ये एक जोन था, इसमें क्या हुआ है मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। देखिए ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये तो बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन है क्योंकि 1, 2, 3, 4 टाइम इस जो ट्रेंड लाइन है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये एक जोन है जहां से वो बार बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा था। तो आज अगर आप देखेंगे तो आज बिल्कुल भी इसका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा था उस सपोर्ट को ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन देने के बाद अभी एक आइडल कंडीशन ये बनेगा, मैं आपको इसमें थोड़ा बताता हूँ, ये पोजिशनल बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। इंट्राडे में आप अगर आप ट्रेड करना चाहे तो इसमें आप थोड़ा दिन एक दिन आप होल्ड करें, वॉच लिस्ट में बनाइए क्योंकि कल के दिन मुझे नहीं लगता इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आएगा डाउन साइड पे। तो इसमें जरूर ध्यान बना के रखें कि ये अगर 9 मार्च या 10 मार्च 6 मार्च के आसपास इस जोन के पास आ जाता है क्योंकि यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट जरूर लेगा, रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन फिर ये रिट्रेसमेंट लेगा। तो इस लेवल पे अगर आप मिल जाता है तो फिर इस लेवल पे आप जरूर पोजिशनल बेसिस पे सेल करके करते हुए चले क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन और ये 200 डेज का मूविंग एवरेज बिल्कुल तीनों चीज एक ही जोन पे आ जाएंगे 9th मार्च या 6th मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में। अगर इस लेवल पे हमको ये स्टॉक का प्राइस मिलता है तो बिल्कुल आप इसमें सेल करके जा सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे, मैं बोल रहा हूँ।
तो अभी के लिए आप इसको वॉचलिस्ट में बना करके, मैं एडवांस में इसको बोल रहा हूँ, अगर ये उस ये रिट्रेसमेंट होने के बाद यहीं से ही नीचे गिरने लगे तो फिर इसको आप छोड़ दीजिए ट्रेड करना, क्योंकि नीचे बहुत सारे इसके सपोर्ट बने हुए हैं। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बाटा इंडिया का। देखिए ये चैनल ब्रेकडाउन का स्टॉक है, बिल्कुल आपके सामने है। क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चैनल पे ट्रेड कर रहा था, लगभग 3 महीना इसने ये चैनल पे निकाला हुआ है, तो अभी ये स्टॉक इसने ब्रेकडाउन दिया है। हालांकि कल के दिन ही इसने ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन आज का दिन भी ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है, तो इसका और भी डाउनफॉल इसमें बाकी है। तो इसमें आप सेलिंग साइड पे नजर बना के रखें, आप इसमें का जो व्यू रहेगा आपका सेलिंग साइड पे लगेगा। देखिए लेवल कितना अचीव होगा, कल कहाँ पे मार्केट होगा किसी को नहीं पता। कुछ जो यूट्यूब में आप वीडियोस देखते हैं, आपको लेवल चाहिए होता है, ये लेवल पे हम सेल करेंगे, ये लेवल पे ये करेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसे लेवल पे, क्योंकि कल कहाँ पे मार्केट ओपन होगा मेरे हिसाब से किसी को नहीं पता, और सच्चाई है किसी को भी नहीं पता। तो आप ये डिसाइड प्रीवियस डे पे नहीं कर सकते हैं, है ना, कहाँ पे मार्केट कहाँ किस लेवल पे आप सेल करेंगे। हाँ, एक लेवल जरूर आप मार्क करके रख सकते हैं, अगर वो लेवल आपको मिलता है तो ही आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डॉक्टर रेड्डी का। तो डॉक्टर रेड्डी में बिल्कुल आप अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा था, और सपोर्ट लेने के बाद अभी इसने यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है। ब्रेकडाउन देने के बाद अगर आप देखेंगे इसमें आप सेलिंग बिल्कुल भी ना करें, इसका मैं सजेशन इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है, सारे जो एनालिसिस है इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन आप इसमें सेल ना करें क्योंकि इसमें यहाँ पे बिल्कुल भी सपोर्ट बना हुआ है जो कि बिल्कुल आसपास है। तो इसमें आप सेलिंग इस तरह से कर सकते हैं, ये अगर कल के दिन ये हायर राइज बनाते हुए एक अच्छा खासा अपमूव देता है, फिर जब वहां से गिरना शुरू करता है, मतलब एक यू शेप का एक टर्न इसमें जरूर देखने को मिलेगा। अगर कल के दिन इनिशियल जो आवर में 2 आवर्स में ये हायर हाई बनाते हुए एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन ड्रॉप और ट्रेंड लाइन अपसाइड में होता है तब जाकर। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है माइंडट्री का। देखिए माइंडट्री में ये तो मैंने स्टॉक आपको इस दिन ही बोल दिया था, जैसे ही इस रेंज को इसने क्रॉस किया तो इसमें एक जबरदस्त अपमूव देखने को मिलेगा। तो आज का दिन भी देखेंगे तो आज का दिन कल का दिन का जो लो बनाया था, रिट्रेसमेंट लिया था, तो वहां से आज इसने अपमूव शुरू किया है। हालांकि आप निफ्टी देखेंगे 0.27% नीचे गिरा है, लेकिन माइंडट्री में देखिए 3% का जबरदस्त अपमूव है। ये अपमूव कंटिन्यू करेगा अप टू ये लेवल, ये जो रेंज ऊपर आपको दिख रहे हैं ये लेवल तक, मतलब इसका जो अगर मैं बात करूं तो 1090 का 1090 का, तो ये लेवल जरूर आपको अचीव होते हुए दिखेगा अगर कल का हाई अगर ब्रेक करता है। कल का जो हाई है 1062 अगर ब्रेक करता है, आज का जो हाई है इसको ब्रेक करता है तो इसमें एक अपमूव जरूर और अपमूव देखने को मिलेगा, जो कि इसको 1090 तक एटलीस्ट इसको लेके जाना चाहिए। तो ये सारे स्टॉक जो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे आज के डेट पे मिल रहे हैं, बहुत बेहतरीन पोजीशन में, क्यों आपको मिल रहे हैं मैं वो भी आपको चीज एक्सप्लेन किया। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये सब जो मेरा खुद का एनालिसिस है, मेरा रिसर्च है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।